घर बैठे बैठे हो गए बोर, नो मस्ती नो फन ना कोई शोर। मतलब यू फोन चलाएं, इससे अच्छा तो फंडू हो जाए। रोज नई लर्निंग, रोज नई एक्टिविटी, चाहे हो कोई भी सिटी, बच्चा बड़े होशियार विद हिज फंडू यार। फंडू क्लास, अ हैप्पी लर्निंग स्पेस फॉर किड्स। Hello students, how are you all? I am your art and craft teacher Sonia and welcome to Fundoo Class. तो बहुत सारे students जुड़ चुके हैं और अभी बहुत सारे students लोगों का जुड़ना बाकी है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे उन लोगों के लिए। और आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि आज मैम क्या सिखाने वाली है। तो आज जो है हमारा पेंटिंग क्लास है, ड्राइंग क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक शेप से बहुत सारे एनिमल्स बनाना। ठीक है, तो कौन कौन एक्साइटेड है? अच्छा, सब लोग मुझे पहले तो ये बताइए चैट बॉक्स में आके कि एनिमल्स किसे किसे पसंद है, पेट एनिमल्स किसे किसे पसंद है, और किसे किसे पता है कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं। अच्छा, आपको पता है कि लॉयन जो होता है ना, वो भी पेट एनिमल बन सकता है। बहुत सारे लोग लॉयन भी पालते हैं जबकि वो एक वाइल्ड एनिमल होता है। और एक और चीज, किस किस के घर में डॉग्स हैं, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आके बताओ जरा। ओके ओके, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं आज के क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। तो जो है, मैं आप लोग को एक चीज बताने वाली हूँ कि जब मैं छोटी सी थी ना, तब मेरे पास भी एक रैबिट हुआ करता था। बाकी मुझे डॉग लेने का बहुत ज्यादा शौक तो था कि मुझे भी एक डॉग चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत 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 ज्यादा फोर्सफुली जिद भी करती थी कि मुझे एक डॉग चाहिए, डॉग चाहिए। एंड फाइनली एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा मेरे लिए एक डॉग लेके आ गए। बट उससे हुआ ये कि मैं उस डॉग को पकड़ ही नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था डॉग से। तो चाहे वो पेट एनिमल है फिर भी, लेकिन किसी किसी को होता है ना कि यार वो नहीं पकड़ सकता किसी एनिमल को। तो मुझे ना डॉग से बहुत डर लग रहा था। बाकी वो छोटा सा था, बेबी सा डॉग था, लेकिन फिर भी मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉग तो नहीं पालने वाली हूँ। फिर मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे ये डॉग बिल्कुल नहीं चाहिए, आप इसको बिल्कुल ले जाओ। और फिर मेरे पापा को मैंने बोला कि मुझे एक रैबिट चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा पेट कौन है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना पेट बनाऊंगी तो एक रैबिट को बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज्यादा कूल था, क्योंकि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। फिर मेरे पापा मेरे लिए एक रैबिट लेके आ गए। तो क्या हुआ कि फिर मैंने अपना पेट जो है वो एक रैबिट को बना लिया। तो इसी तरह से आप लोगों के पास भी आई थिंक कोई ना कोई पेट जरूर होगा और आप भी उससे बहुत 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 प्यार करते होंगे। तो ठीक है, चलो आज का क्लास हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारा क्लास है वो है पेट एनिमल्स के ऊपर और वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर। हम एक ही शेप बनाएंगे और एक ही शेप से हम अलग अलग एनिमल्स किस तरह से बनाते हैं, तो आज हम अपनी क्लास में वही चीज सीखेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड हो? सभी एक्साइटेड हो? तो क्लास को बिना देरी करते हुए जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए पेंसिल। तो मैं यहाँ पे स्केच पेन इसलिए यूज कर रही हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि स्केच पेन से आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा और पेंसिल अगर मैं यूज करती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देता है। और हम लेंगे स्केल। तो स्केल की हेल्प से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एकदम बीचों बीच हमको एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे। ऐसे, इसके बाद हम यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके भी बीच की लाइन हम निकाल सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ओके किड्स,
और यहाँ पे जो है हम बीचों बीच हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे भी दो लाइंस इसी के बीच बीच में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोग अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं क्योंकि अभी हमें अलग अलग एनिमल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को 8 एनिमल्स बनाना सिखाऊंगी और वो भी एक ही शेप की हेल्प से। तो देखिए, आप इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ऊपर की साइड हल्का सा, तो आपको जो है एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगी ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फोल्ड कर लिया, लाइन खींच लिया मैंने, और यहाँ पे एक और लाइन खींचनी है मुझे बीचों बीच। तो ये जो है हमारे 8 ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो आप लोग भी इसको बना लीजिए और अब हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, अभी और स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एनिमल्स मुझे कितने पसंद है, लेकिन मैं डॉग्स जो है वो मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने जो है रैबिट, मुझे रैबिट बहुत पसंद है और मैंने अपना जो पैट है वो भी रैबिट ही बनाया था, मतलब मेरा जो पैट था वो भी रैबिट था। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको रैबिट बनाना ही सिखाऊंगी, लेकिन एक शेप है जिसकी हेल्प से हम हर एक एनिमल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो करेंगे ये कि सबसे पहला जो ब्लॉक है उसमें हम स्टार्टिंग में ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल, ठीक है। तो आप चाहो तो किसी किसी भी कैप की हेल्प से भी आप जो है सर्कल बना सकते हो, कुछ कोई भी कैप या कुछ भी आपके पास हो तो आप उससे भी, उसकी हेल्प से भी सर्कल बना सकते हो। तो एग्जैक्ट सर्कल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट पॉइंट बना के सर्कल बनाऊंगी, जिससे कि क्या होगा, जिससे होगा ये कि मुझे सर्कल बनाना आ जाएगा, और जिस किसी के पास कैप नहीं है वो इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट पॉइंट बना लिया है और अब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरह से। सभी को अच्छे से दिख रहा है? यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसके नीचे मैं ड्रॉ करूंगी एक कर्वी शेप, जैसे एक ऐसे और एक ऐसे। तो हमें ऐसे ही करना है, सेम शेप हमें हर एक ब्लॉक में बनाना है, ठीक है। तो मतलब इसी की हेल्प से आज हमारी जो है पूरी ड्राइंग्स बनेंगी। इसके बाद मैंने आपको बताया ना कि हम लोग रैबिट बनाने वाले हैं, तो रैबिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसके कान बनाएंगे। रैबिट के कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े, देखो ऐसे ऐसे, जैसे यहां दो बनाना ऐसे यहां पे भी दो बनाना है, और फिर यहाँ पे ये ऐसे कर देना है, यहाँ पे ऐसे कर देना है, फिर यहाँ पे यूं कर देंगे और ऐसे कर देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, रैबिट के कान। और फिर हम बनाएंगे दो सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और ये जो सर्कल है इसको छोड़ के हमको बाकी सर्कल में क्या करना है, कलर कर देना है, ब्लैक कलर। फिर हम बनाएंगे इसकी नोजी, तो नोजी के लिए एक सर्कल बनाएंगे और एक लाइन छोटी सी नीचे, और फिर इसके नीचे एक और लाइन, और अब हम बनाएंगे इसकी मूछें, 1 2 3 1 2 3,
और यहाँ पे हम बनाएंगे रैबिट की पूछ, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और एक यू शेप यहाँ पे बना देंगे। तो ये बन गया क्या हमारा रैबिट। तो रैबिट बनाने में कितना मजा आया ना, ऐसे ही हम अलग अलग शेप के साथ अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बनाने वाली हूँ अगेन एक सर्कल। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसी लिड की हेल्प से एक सर्कल बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं एक सर्कल इस तरह से डॉट डॉट की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और अगेन यहाँ पे जो हमने कर्व बनाया था वो हम यहाँ पे भी बनाएंगे। 1 2 तो ये तो बड़ा सा इजी सा था ना, यहाँ यहाँ बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए हमने यहाँ पे यू शेप बनाया था ना, अब हम यहाँ से हम उल्टा यू बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, देखो कुछ यू और 1 2 3 4। तो कोई बता सकता है हम क्या बनाने वाले हैं? अभी आप लोग गैस करो, मैं आगे बना के बताती हूँ। इसके बाद ये जो हमने सर्कल बनाया है इसके अंदर इस तरह से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, और फिर एक मुंह ड्रॉ करेंगे उसका, यहाँ पे दो पॉइंट बनाएंगे, इसकी नोजी ड्रॉ करेंगे, ऐसे लंबा लंबा ओवल बनाएंगे। ठीक है, लंबा लंबा ओवल बनाना है, यूं करके ऐसे इसके अंदर छोटी छोटी आंखें बनानी, और फिर बनाएंगे हम इसके कान ऐसे ऐसे, और फिर हम बनाएंगे सींग, क्योंकि ये बन गया है हमारा काऊ, तो काऊ की होती है सींग। और फिर हम काऊ के अंदर का बॉडी का कुछ इस तरह से डिजाइंस बनाने, ऐसे होते ना काऊ की बॉडी में ऐसे ब्लैक ब्लैक ऐसे धब्बे होते हैं ना, तो मैं वही वाले धब्बे बनाने, देखो इस तरह से ऐसे, बस हो गया। इसके बाद बनाएंगे हम काऊ की पूंछ, तो काऊ की पूंछ बनाने के लिए हमको ऐसे सी बनाना है पहले, और फिर ऐसे करके ड्रॉप बनाना है, इसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, और ये जो डिजाइन है ना इसको भी हमें ऐसे करके ब्लैक से ही फिल करना है। तो ये काऊ जो है वो कैसा साउंड करता है, किसी को पता है? काऊ साउंड करता है मू मू मू, ऐसे करके साउंड करता है ना। और ये है काऊ के सींग कुछ इस तरह से। ओके, अभी हम बनाएंगे एक और सर्कल यहाँ पे अगेन। तो एक छोटा सा सर्कल यहाँ ऐसे, और फिर अगेन ऐसे करके हमें लाइन बनानी है, पर लाइन बनाने से पहले कुछ और काम करना है। तो पहले आप करिए सर्कल बना लीजिए इस तरह से, और अब हमें जो है ऐसे करना है यू zigzag कुछ इस तरह से। कोई बता सकता है कि अब हम क्या बनाने वाले हैं? किसी को आइडिया है कि ये क्या बनने वाला है भाई?
ओके वेरी गुड. हम बना रहे हैं लायन, और लायन जो है उसके इसी तरह से जो है उसके बाल होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं उसके फेस पे भी. ठीक है, ये उसके कान बन गए, और दो छोटी छोटी जो है आंखें बनानी है, और फिर एक उल्टा ट्रायंगल बनाना है ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ऐसे सी बनाना है, यहाँ पे ऐसे सी बनाना है, और फिर लायन की जो है मूंछ बनानी है. 1 2 3 1 2 3, और फिर से ये कर्वी शेप, ये 1 ये 2. ठीक है, और फिर हम उसके पैर कैसे बनाएंगे, ऐसे करके उल्टा यू बना देना है, और फिर हम बनाएंगे लायन की मुंह वो पूंछ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, और ये बन गई लायन की पूंछ. तो लायन क्या करता है, रॉर, आर ओ ए आर, ये उसका साउंड होता है, आर ओ ए आर, रॉर. ठीक है, लायन कहाँ रहता है, लायन रहता है जंगल में, क्योंकि लायन एक वाइल्ड एनिमल है. ठीक है, जो आप लोग जू में देखते हो वो भी लायन है, लेकिन उसको जंगल से लेके आए हैं, और उसको आप लोगों को दिखाने के लिए जू में रखा गया है. तो जो है लायन जो होता है वो रहता है गुफा के अंदर, है ना. और लायन बनाने में किसे किसे मज़ा आया, सबको मज़ा आया. चलो अब हम नेक्स्ट एनिमल बनाएंगे. तो नेक्स्ट जो है वो मैं बनाने वाली हूँ एक पेट एनिमल. ठीक है, तो पेट एनिमल बनाने के लिए फिर से मैं क्या करूँगी, मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ करूँगी. यहाँ पे जो है मैंने एक सर्कल ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, और फिर अगेन ऐसे दो लाइंस, 1 2. ठीक है, और फिर अगेन यू बनाना है इस जगह पे, और ऐसे ऐसे बना देना है. और फिर अब हम देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार काम करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसकी नोज, तो उसके लिए हम बनाएंगे ट्रायंगल और इस तरह से कलर कर देंगे. फिर हम बनाएंगे उसका मुंह, अच्छा कोई बता सकता है क्या बन रहा है भाई. फिर हम बनाएंगे पूंछ, फिर हम बनाएंगे उसकी आईज, छोटी छोटी आंखें. अभी भी टाइम है, आप लोग बता सकते हो कि अब मैं क्या बनाने वाली हूँ. हम बनाते हैं उसकी पूंछ. एनी गेसेस आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो. ये दो लाइन ऐसे बनानी है और ऐसे कर देनी है. वेरी गुड, हम बनाने वाले हैं एक कैट, ऐसे ऐसे हमें वी बनाना है, और यहाँ पे भी एक वी, दो वी, तीन वी, 1 2 3, वी मतलब विक्ट्री वाला वी. ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, म्याओ म्याओ वाला कैट बन गया. ठीक है, तो मज़ा आया कैट बनाने में. चलो अब हम नेक्स्ट एनिमल के पास चलते हैं. तो नेक्स्ट जो है हम बनाने वाले हैं अगेन सर्कल, आप चाहो तो सारे एक साथ भी बना के रख सकते हो. तो नेक्स्ट अगेन हम बनाएंगे एक सर्कल, और फिर हम बनाएंगे अगेन इस तरह से कर्वी शेप, और फिर नीचे से बनाएंगे यू, और इसको ऐसे मिला देंगे. फिर हम बनाएंगे यहाँ से उसकी पूंछ, तो पूंछ के लिए छोटी सी पतली सी लाइन, और फिर ऐसे एक शेप. और फिर हम बनाएंगे उसके कान, देखिए कुछ इस तरह से दो इस तरह से शेप बनाना है, और यूं करके यूं मिला देना, यूं करके यूं मिला देना है. ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी आंखें, तो कोई बता सकता है कि अब क्या बनने वाला है आगे. चलो अभी पता चल जाएगा आपको. अभी हम बनाएंगे एक उसका मुंह इतना बड़ा सा, ये उसका नोज है,
और उसका मुंह ये रहा, तो ये बन गया ओइंक ओइंक वाला पिग्गी। ठीक है, मजा आया पिग्गी बनाने में। तो नेक्स्ट बनाऊ मैं, नेक्स्ट एनिमल बनाऊ। ओके, तो नेक्स्ट एनिमल के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल बना लेंगे पहले। तो एक सर्कल आप बना लो ऐसे, ठीक है, और फिर अगेन हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक शेप यहाँ पे, एक शेप यहाँ पे, ओके। और फिर हम यू बनाएंगे लेकिन छोटा सा ऐसे करके, और फिर यहाँ इसको मिला देंगे, यहाँ इसको मिला देंगे, और एक बड़ा सा यू बना देंगे यहाँ। अब देखो हम इसके कान कैसे बनाएंगे, सी सी ऐसे करके कान बनाएंगे, ठीक है। और फिर अब हम बनाएंगे इसके हाथ, तो एक हाथ यहाँ पे ऐसे सी, एक हाथ नीचे की तरफ सी, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें, और फिर दो छोटी छोटी आंखें, और फिर और छोटी छोटी आंखें, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा ये आंखें क्या बन रहा है। फिर हम इसकी नोज बनाएंगे, फिर उसका मुंह बनाएंगे, फिर इस तरह से उसकी मूछें, और फिर अब हम देखो ये बन गया हमारा पांडा। तो ये जो हमने बनाया था आग, इसमें हम इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक है, इतना इतना, और हम फिल करेंगे इसके कान को भी यहां से, ये वाला कान भी। तो केयरफुली आप लोगों को फिल करना है, ठीक है, आप चाहो तो स्केच पेन की हेल्प से भी कर सकते हो, और आप लोग कलर की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी फिलहाल तो स्केच पेन के हेल्प से ही कलर कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ऑयल पेस्टल का यूज भी कर सकते हो इसको फिल करने के लिए। तो मुझे पता है सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग चैट बॉक्स में अभी पूछ सकते हैं। और आज आपने जितना भी बनाया है इसको आपको फंडू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर शेयर जरूर करना है, ठीक है, भूलना नहीं है, सबको शेयर करना है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की पेंटिंग्स आप लोग बना के भेजते हो, जो आपने सीखा है फंडू क्लास के साथ उसे आपको शेयर करना है, तो इससे आप जो है आपको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये जो है ये बन गया हमारा क्यूट सा गुल्लू मोलू सा पांडा, और ये कितना क्यूट लग रहा है ना, ये आपका प्यारा सा पांडा है। तो अभी हम प्यारा सा एक और पेट एनिमल बनाएंगे, सॉरी ये पेट तो है लेकिन असली वाला पेट नहीं है, ये एक नकली वाला पेट है, मतलब असली में इसको पेट आप नहीं बना सकते, लेकिन ये सबके पास है, सभी बच्चों के पास, कोई बता सकता है। देखो सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया, और फिर सी बनाया, और फिर अंदर दो सी और बनाए छोटे छोटे, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे अगेन ऐसे ऐसे, और फिर नीचे से ऐसे यूं यूं यूं, फिर हम बनाएंगे एक यू शेप, और हम बनाएंगे उसके हाथ वन टू, फिर हम बनाएंगे आंखें वन टू, और फिर एक बड़ा सा सर्कल, उसके अंदर होगी नाक, और उसी के अंदर होगा मुंह। वेरी गुड, जिस जिस बच्चों ने बताया है उनको, उनके लिए बिग क्लैपिंग, जिन्होंने गेस किया है उनके लिए बिग क्लैपिंग। और ये है हमारा प्यारा सा टेडी बियर,
तो सबके पास आई थिंक टेडी बियर है। चलो अब हम नेक्स्ट एनिमल बनाएंगे। तो नेक्स्ट एनिमल जो है वो मैं आपको सर्कल से नहीं बना के बताऊंगी, वो मैं आपको दूसरा शेप से बना के बताऊंगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जो है लास्ट वाला है, तो ये थोड़ा सा मतलब अलग है, विदाउट शेप वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से क्लाउड बनाएंगे, एक क्लाउड, ठीक है। इसके बाद क्लाउड बन गया, जल्दी जल्दी बनाओ आप लोग फटाफट से, आगे बता रही हूँ मैं। क्लाउड के बाद हम उसके नीचे एक यू शेप बनाएंगे, ठीक है। पहले क्लाउड बना लिया और फिर यू शेप बनाया, फिर हम बनाएंगे आंखें, फिर इस तरह से छोटी सी लाइन देके इसे मुंह, और फिर हम बनाएंगे कुछ इस तरह से उसके कान, बड़े बड़े कान, ठीक है। और फिर बनाएंगे हम फिर से क्लाउड बड़ा सा, उसके बगल में एक और क्लाउड छोटा सा, और फिर यहाँ पे उसके छोटे छोटे पैर। तो ये बन गया हमारा क्या, शीप। तो ये हमारे जो 8 एनिमल्स मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये 8 एनिमल्स पेट और वाइल्ड मिला के ये बन चुका है। अब हम करेंगे इसको पेंट, ठीक है। तो ये वाला भी जो है इसको भी ब्लैक करना है। तो आप लोग चाहो तो अपने एनिमल को अपने हिसाब से भी पेंट कर सकते हो, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा के भी आप लोग सेंड कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैट है मेरी प्यारी सी छोटी सी, तो कैट को कलर करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ डार्क ग्रे कलर, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो कोई और कलर भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे डार्क कलर ही लूंगी। और इसकी आंखों को छोड़कर मैं इसकी पूरी बॉडी पे जो है, पहले तो पूरे फेस पे अच्छे से इस तरह से, तो केयरफुली आप लोगों को जो है क्या करना है, कलर करना है केयरफुली, बिल्कुल 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 केयरफुली। और ये जो है हमारा कैट का मुंह कलर हो चुका है, अब हम उसकी बॉडी को कलर करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने यूज किया है ऑयल पेस्टल का डार्क ग्रे शेड। अगर आप लोग के पास डार्क ग्रे शेड नहीं है तो आप लोग ब्लैक को एकदम लाइट लाइट करके फिर आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाइट कलर से उसको मिक्स कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से यहाँ पे जो है इसको इस तरह से मिक्स कर दूंगी। ये हमारा जो है कैट रेडी है। अब मैं अगेन इसी कलर से शीप को भी कलर करूंगी, पर आप लोग पहले देखो। वो यूं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग इसको पूरा कलर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ शेप के इस तरह से जो क्लाउड बनाया है इसको आउटलाइन करेंगे, और नीचे जो क्लाउड बनाया है इसको आउटलाइन करेंगे, ठीक है। हमें इतना ही करना है, फिर मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। तो पहले आपको ऐसे आउटलाइन करना है, और फिर इसके अंदर हल्का हल्का आउटलाइन के पास पास ही हल्का हल्का इस तरह से डार्क ग्रे को ऐसे ऐसे हल्का हल्का चलाना है। यहाँ ऊपर भी इस तरह से हल्का हल्का ऐसे करके चलाना है। और फिर आप लोगों को लेना है व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर से हम इसको पूरा मिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसके कानों को मैं यहाँ पे कर रही हूँ लेमन, लेमन येलो कलर। इसके फेस पे भी मैं लेमन येलो कलर ही करूँगी, और पैरों में भी, ठीक है। तो ये हमारा शेप रेडी है। और फिर हम
इसको कलर करेंगे। और इसको कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर, क्योंकि मुझे टेडी बियर अपना ब्राउन कलर में ही चाहिए। आप लोग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके फेस को भी मैं यहाँ पे ब्राउन कलर करूँगी। आप लोग पहले इस तरह से आउटलाइन भी कर सकते हो, देखो इस तरह से, और फिर आप चाहो तो उसको अच्छे से फिल कर सकते हो। तो सभी लोगों के पास आई थिंक टेडी बियर होगा। हम लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी टेडी बियर्स हमारे पास होते हैं। जैसे मैं बहुत बड़ी हूँ, आप लोग की टीचर हूँ, और फिर भी मेरे पास मेरा खुद का टेडी बियर है। अब मैं देखिए इसके अंदर करूँगी येलो कलर, इसके कानों में भी और इसके मुंह के अंदर भी। ये हमारा टेडी बियर रेडी है। अब हम बनाएंगे, इसको कलर करेंगे लायन को। तो मुझे जो सामने दिखता जा रहा है मैं उसको कलर करती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कलर करने के लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ इस तरह से, बाद में इसको फिल करूँगी। तो आउटलाइन करने के बाद मैं इसको अच्छे से फिल कर दूँगी ऑरेंज कलर से। इसकी पूँछ में भी ऑरेंज कलर, और फिर इसकी बॉडी में हम करेंगे येलो कलर। पहले फेस पे, फिर बॉडी पे, तो ये हमने क्या कर दिया है, येलो कलर फिल कर दिया, ठीक है। फिर आप इसको से फिंगर से मिक्स कर सकते हो। और इसमें हम करेंगे, आपके पास ओकर कलर होगा तो येलो ओकर, तो येलो ओकर से हम इसके मुंह में कलर करेंगे इस तरह से। तो सिर्फ हमें यहाँ पर ही कलर करना है, और ये जो नीचे हमने बनाया है जहाँ से काउ मिल्क देती है, तो इसको कलर करना है बस, और कहीं पे कलर नहीं करना है। और चाहो तो आप कान में भी कलर कर सकते हो, बस इतना ही हमें इसको कलर करना है, और इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। तो रैबिट को मैं अपना मन से कलर कर रही हूँ। वैसे रैबिट वाइट कलर का होता है, लेकिन मेरे को अभी यहाँ पे इसको कुछ और कलर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिंक शेड। पिंक शेड से मैं क्या कर रही हूँ, इसके कानों को पहले ऐसे आउटलाइन कर लिया, और फिर इसको भी मैंने आउटलाइन कर लिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको आउटलाइन कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। और फिर अगेन मैंने ऐसे ऐसे लाइट लाइट किया, मतलब कानों को आप अच्छे से कर लो चाहे तो, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा से अंदर से आउटलाइन किया, और फिर अगेन हम लेंगे वाइट कलर, ठीक है, और वाइट कलर से हम इसको फिर पूरा मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। मेक श्योर कि आप लोग का जो वाइट कलर है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, आप इसको थोड़ा सा साफ भी कर सकते हो। तो ऑयल पेस्टल में वाइट कलर का यूज़ इसीलिए होता है मिक्सिंग करने के लिए। ये देखिए ये कितना प्यारा शेड बन चुका है ना। तो ये हमारा रैबिट भी तैयार हो गया है, और अब हम बनाएंगे पिगी को। तो पिगी जो है वो भी पिंक कलर का ही होता है मोस्टली, थोड़ा सा हम लोग डार्क पिंक कर देते हैं। तो डार्क पिंक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे डार्क पिंक शेड, कैरमाइन कलर एक है आप लोगों के पास, आपको वो लेना है। तो कैरमाइन कलर से हम इसको सिर्फ आउटलाइन करेंगे, ठीक है, बस इतना इतना हमें इसको आउटलाइन करना है ऐसे।
और फिर हम लेंगे लाइट पिंक कलर और लाइट पिंक कलर से हम इसको पूरा इस तरह से फिल कर देंगे। तो बच्चों ये जो है हमारी पेंटिंग, हमारी ड्राइंग, अलग अलग एनिमल्स की, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की अलग अलग ड्राइंग जो हम लोगों ने आज बनाई है, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, है ना। तो आप लोग इस तरह से बना के आपको भेजना है फंडू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, बिल्कुल नहीं भूलना है। और देखिए मैं थोड़ा सा कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक ग्रीन शेड से कुछ पत्ते बना रही हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना ये पांडा, ये इस तरह से लीफ खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लीफ बना देती हूँ, तो ये बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है, ठीक है। और ये क्या खाता है, कैरोट। तो आप लोग इस तरह से अलग अलग चीजें बना सकते हो, इसके नीचे हम कैरोट भी बना सकते हैं, है ना। तो आप चाहो तो ऐसा कुछ बना सकते हो, जैसे ये हमने यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ग्रीन कर दिया और फिर हमने थोड़ा सा येलो शेड दे दिया इस तरह से, और आप इस तरह से यहाँ पे कैरोट दिखा सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पे ऐसे करके वीवी शेप बना के हमने यहाँ पे कैरोट बना दिया, ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर ऐसे पत्तियाँ बना दो, यो। तो ये क्या है, कैरोट के खेत में खड़ा है कौन, रैबिट, क्योंकि उसे क्या पसंद है, कैरोट। और ये जो है लैम, मतलब शीप, इसको क्या पसंद है, घास, तो ये घास के पास खड़ा है इस तरह से लाइट ग्रीन से, इसे लंबी लंबी घासें बना दीजिए, क्योंकि ये क्या खाता है, घास खाता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से नई नई चीज़ों के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो किसे किसे मजा आया आज की क्लास में, वो आप लोगों को बताना है कमेंट के थ्रू, और हाँ आप लोगों को अपना जो वर्क है वो भी शेयर करना है फंडू क्लास की इंस्टा और फंडू क्लास की फेसबुक आईडी पर, जहां पे हम आपके वर्क को देखते हैं और उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो आप लोग जो भी सीखते हो फंडू क्लास के साथ वो आपको शेयर जरूर करना है। और हाँ आप लोग फंडू क्लास का जो YouTube अकाउंट है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसमें आपसे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस डले हुए जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो बेल बटन भी दबाना मत भूलिएगा, कोई भी नई नई वीडियोस आते तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी एक्साइटिंग चीजों के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपनी टीचर को कहिए बाय बाय। मुझे पता है आप लोग को बाय करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, तो लेकिन हमें दोबारा मिलने के लिए बाय तो करना पड़ेगा ना। तो बाय बाय।